वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री मैं बोनी दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था सरफेस केमिस्ट्री और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे जिसका ये फिफ्थ पार्ट है जो कि हम आज कवर करने वाले हैं तो ये बेसिकली प्रीवियस वीडियो का ही एक्सटेंशन है वहाँ पर हम लोग पार्ट फोर में कोलाइडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ी थी तो कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कुछ बचे थे तो आज बची खुची प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे हम लोग ठीक है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन तो इसमें नंबर नौ तक हम लोग पढ़ चुके थे आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है ठीक सो वॉट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस इफ़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अप्लाइड अक्रॉस टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डिपिंग इन अ कोलाइडल सोल्यूशन द कोलाइडल पार्टिकल मूव टूवर्ड्स वन और अदर इलेक्ट्रोड ड्यू टू द चार्ज ऑन देम यह हम पिछले प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है कि कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं चार्ज को कैरी करते हैं अब जब इस कोलाइडल सोल्यूशंस में हम दो इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करके वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल होते हैं जो कि ऑलरेडी चार्जड होते हैं वो क्या करते हैं अपने अपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो कि इलेक्ट्रोड होता है ठीक निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास पॉजिटिव आन जाएगा और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास निगेटिव आन जाएगा ठीक द मूवमेंट ऑफ द सॉल पार्टिकल अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरोसिस और इसी मूवमेंट को जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद सॉल पार्टिकल में जो मूवमेंट हम देखने को मिल रहा है हमको इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस सो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल टूवर्ड्स द कैथोड और एनोड, इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी कॉल कैटाफोरेसिस और एनाफोरेसिस। तो हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव सॉल्व है तो वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और निगेटिव सॉल्व है तो वो कहाँ जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ तो इसी बेसिस पे उसको दो पार्ट में बांटा जाता है या दो तरह से बोल ले तो कैटाफोरेसिस और एनाफोरेसिस कैटामिस् कैथोड की तरफ एनामिस एनोड की तरफ ठीक यही होता है हमारा क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में आगे इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोवाइड्स एन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ टू शो दैट द कोलाइडल पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल तो कोलाइडल पार्टिकल चार्ज कैरी करते हैं इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे अगर हम इस सिलेक्ट फोरोसिस के मदद से ये प्रूफ कर देते हैं सो इट इज़ एन एक्स्ट्रा फैसिलिटी हो जाएगा कि हम प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो कैसे होते हैं चार्ज होते हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ फिगर दिख रहा होगा कि इस सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल हैं और ये पार्टिकल कैथोड की तरफ जा रही हैं इसका मतलब यहाँ पे ये पार्टिकल निगेटिव चार्ज को कैरी कर रही हैं इसे साफ पता चल रहा है ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ जैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो सारे के सारे पार्टिकल अब सॉल्यूशंस में से निकल के अब सीधे जाएंगे उस इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो जाएंगी वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगी तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कैथोड पे यानी पॉजिटिव चार्ज पे ये डिपॉजिट हो रहा है दैट मीन्स दिस सॉल पार्टिकल कैरी कैरिंग चार्ज निगेटिव ओके तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोफोरोसिस नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रो ऑसमोसिस ये क्या होता है द मीडियम विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्पर्सड फेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ पर पार्टिकल मूव कर रहा था और यहाँ पर क्या करेगा ऑसमोसिस है तो मीडियम मूव करेगा डिस्पर्सन मीडियम और वह किधर मूव करता है जिधर कोलरल पार्टिकल मूव करता है उसके अपोजिट में हमारा क्या मूव करता है मीडियम तो यहाँ पर क्या हुआ जस्ट लाइक ऑसमोसिस ऑसमोसिस में क्या होता है हमेशा सॉलवेंट मूव करता है सॉल्यूट नहीं ठीक है द मूवमेंट ऑफ़ द डिस्पर्सन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल इज़ नोन एज द इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस इन प्रजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये मैंशन करना बहुत ज़रूरी है इट इज़ टेकिंग प्लेस थ्रू अ मेम्ब्रेन आई बात समझ में तो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस को डिफाइन कर रहे हैं तो वो इसी तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ़ द डिस्पर्सन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल इज नोन एज द इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस ओके द नेक्स्ट इज़ द कोअगुलेशन और द प्रेसिपिटेशन सो वी नो दैट द स्टेबिलिटी ऑफ अ लाइफ फोबिक सॉल इज़ ड्यू टू द पॉजिटिव और निगेटिव आयंस बाय द डिस्पोज्ड पार्टिकल्स तो हमारे जो लाइफ फोबिक सॉल होते हैं वो उतने ज़्यादा स्टेबल होते नहीं हैं फिर भी वो स्टेबल इसलिए माने जाते हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन जो होते हैं वो डिस्पोज्ड पार्टिकल के वो सराउंड हो जाते हैं ठीक है ड्यू टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बाय द डिस्पोज पार्टिकल पार्टिकल के उस आयनिक नेचर की वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं द रिपल्सन फोर्सेस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल डू नॉट अलाउ देम टू सेटल ये सेटल नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पे चार्ज है तो एक दूसरे का जो चार्ज है रिपल करता है पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपल करता है नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपल करता है तो वहाँ पे या तो पॉजिटिव सॉल बनता है या तो नेगेटिव सॉल बनता है तो ये कभी भी एग्रीगेट नहीं हो सकते ड्यू टू द आयनिक रिपल्शन या फिर चार्ज रिपल्शन ठीक इफ समहाउ द चार्ज इज रिमूवड देयर इज़ नथिंग टू कीप द पार्टिकल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन सच केसेज दे विल एग्रीगेट और फ्लॉकुलेट एंड सेटल डाउन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अगर हम कोई ऐसा तरीका अपनाते हैं या कोई ऐसा आ, प्रोसेस करते हैं कि उस चार्ज को हम हटा सकते हैं तब वहाँ पे क्या होता है कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं होगा जो कि उनको दूर दूर रख सके क्योंकि चार्ज के रिपलसन की वजह से ही वो सब दूर हैं और कोगुलेट नहीं हो रहे हैं ना तो फ्लकुलेट हो रहे हैं ना ही वो सेटल डाउन हो रहे हैं आई बात समझ में जैसे ही हम ये चार्ज रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है अब वो न्यूट्रल हो गए अब कोई फैक्टर नहीं रहा जिसकी वजह से वो दूर दूर रह सके तब क्या होगा वो एग्रीगेट होना शुरू करेंगे और एग्रीगेट होकर जब मास बढ़ेगा तो वो केवल ग्रेविटी में भी वो सेटल डाउन हो जाएंगे ठीक द फ्लक्युलेसन एंड सेटलिंग डाउन ऑफ द डिस्चार्ज सॉल पार्टिकल इज कॉल्ड द कोवागुलेशन और प्रेसिपिटेशन तो ये जो प्रोसेस हो रहा है फ्लक्शन का या फिर प्रेसिपिटेशन का जो डिस्चार्ज सॉल पार्टिकल हैं उसी को हम नाम देते हैं कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन सो द प्रेसिपिटेशन कैन बी ब्रॉट अबाउट इन फाइव वेज पांच तरीकों से प्रेसिपिटेशन कराया जा सकता है पहला है बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सॉल पार्टिकल एंड बाय बॉयलिंग एंड नेक्स्ट लास्ट इज द रिपीटिंग रिपीटेड डायलिसिस तो ये पांच मेथड है जिसकी वजह से हम लाइफोबिक फोबिक को सेटल डाउन करा सकते हैं कोअगुलेट कराया जा सकता है तो इसमें पहला प्रोसेस हमारा है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सो व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन एक्सेस टू अ सॉल देन द इलेक्ट्रोलाइट फर्निश बोथ द टाइप ऑफ आयन्स इन द सोल्यूशन ठीक बोथ टाइप करने का मतलब क्या है पॉजिटिव आयन और दूसरा निगेटिव आयन पहले क्या था पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सॉल्व में तो पॉजिटिव आया निगेटिव सॉल्व है तो निगेटिव आया है वहाँ पे जैसे हम वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं एक्सेस में तो वहाँ पे दोनों तरह के चार्ज प्रेजेंट होते हैं नाउ द अपोजिटिवली चार्ज आयन गेट एड्जॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल दिस कॉजेज द न्यूट्रलाइजेशन एंड देयर बाय द साइज एंड मास ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इंक्रीजेज एंड इट बिकम्स द सस्पेंसन पार्टिकल तो पॉजिटिव के ऊपर जैसे हमारा ये एक सेंट्रल पॉजिटिव आयन है इसके बाहर बाहर नेगेटिव नेगेटिव आयन जुड़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं इसको टोटल मिल के न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं और जैसे ये न्यूट्रलाइज करता है फिर क्या होगा धीरे धीरे उसकी साइज़ भी बढ़ती है और मास भी बढ़ता है फिर क्या होगा अब वो क्या करते हैं कि जो मूव कर रहे थे अब वो एक सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाता है सस्पेंसनाइड पार्टिकल हो जाते हैं ड्यू टू द ग्रेटर वॉल्यूम एंड ग्रेटर मास चूँकि अब इनका साइज़ और वॉल्यूम बढ़ गया है मास भी बढ़ गया है तो ये स्टार्ट करेंगे दिस सस्पेंशन पार्टिकल सेटल डाउन दैट इज दे कोगुलेट अब वो सेटल होंगे इसका मतलब होता है कि वो कोआगुलेट हो रहे हैं और इस तरह से उनको कोआगुलेशन कराया जा रहा है सो नेक्स्ट पॉइंट इज द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन क्या हो रहा है द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ़ द चार्ज ऑन द सर ऑन चार्ज ऑन द पार्टिकल आर कॉल्ड द फ्लाकुलेटिंग आयन्स क्या हो रहे हैं फ्लॉकुलेट क्यों बन रहा है फ्लॉकुलेशन टर्म हम यूज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आयन्स उसको सराउंड कर रहा है ठीक है वो आयंस दूसरा आयन उसको रिस्पॉन्सिबल है कि उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो इस तरह का जो प्रोसेस हो रहा है इसी को हम बोलते हैं फ्लॉकुलेशन और जो आयन कर रहा है उसको हम बोलते हैं फ्लॉकुलेटिंग आयन सो so, इसी में एक साइंटिस्ट है स्कूल्स इन्होंने एक रूल दिया था क्या आप प्रेसिपिटेशन को लेके जो कि हम लाइफोबिक सॉल्स में करते हैं सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्टेट दैट द प्रेसिपिटेटिंग इफेक्ट ऑफ एन आयन ऑन द डिस्प्ड फेज ऑफ अपोजिट चार्ज इंक्रीजेस विद द वैलेंसी ऑफ द आयन क्या बोल रहे हैं कि जो प्रेसिपिटेटिंग इफेक्ट है किसी भी आयन का वो डिस्पोज्ड फेज आयन ऑन द डिस्पर्स फेज ऑफ अपोजिट चार्ज अपोजिट चार्ज वहाँ पे जो डिस्पर्स फेज लग रहा है वो बढ़ेगा कि क्यों जैसे जैसे उसकी वैलेंसी बढ़ेगी सो द हायर इज़ द बैलेंसी ऑफ द फ्लकुलेटिंग आयन द ग्रेटर इज़ द प्रेसिपिटेटिंग पावर जितना ज़्यादा उसकी वैलेंसी होगी वो उतना जल्दी से कम मॉलिक्यूल में उसको न्यूट्राइज कर सकता है और आसानी से उसको फ्लकुलेट कर सकता है और उसको आसानी से प्रेसिपिटेट कराया जा सकता है दस फॉर precipitation of the As2S3 salt that is negative salt the precipitating power of an aluminium 3 plus barium 2 plus and sodium ion na2 plus nahi hoga na plus hoga na ion is in order ab yahan pe kya hua एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा करता है barium उसके बाद sodium उसके बाद ठीक है यहाँ 2+ टू प्लस नहीं सिंगल आन रहेगा नाउ द सिमिलरली द प्रेसिपिटेटिंग ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एफिसियन सिक्स थ्री माइनस के थ्री एफिशियन सिक्स ठीक है पोटेशियम फेरिसनाइड ये ये पॉजिटिव सॉल है तो यहाँ पे हम नेगेटिव आयन ऐड करेंगे द प्रेसिपिटेटिंग पावर ऑफ द एफिसियन सिक्स थ्री माइनस एसओफो टू माइनस क्लोराइड एन माइनस इज इन द ऑर्डर अब क्या हुआ अब वहाँ पे हम अगर एफिशियन सिक्स थ्री माइनस जो होता है इसकी प्रेसिपिटेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा ठीक उसके बाद सल्फेट का होगा उसके बाद क्लोराइड आयन का होगा ना द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिनिमोल रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ वन लीटर सॉल इन टू आवर्स इज कॉल द फ्लक्कुलेटिंग वैल्यू फ्लकुलेटिंग वैल्यू निकालने के लिए किसी भी आयन का एक डेफिनेशन दिया गया क्या दिया गया है कि एक लीटर सॉल में दो घंटे के अंदर ठीक है एक लीटर सॉल में दो घंटे के अंदर प्रेसिपिटेट कराने के लिए जितना भी मिली मोल इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होती है जो कि मिनिमम अमाउंट होना चाहिए उसी को हम बोलते हैं फ्लॉक्युलेटिंग वैल्यू ठीक द स्मॉलर इज द फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू द हायर विल बी द कोगुलेटिंग पावर जितना कम से कम अमाउंट उसको फ्लॉक्लेट करने में समर्थ होगा कैपेबल होगा उसकी क्वागुलेटिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा ठीक सेकेंड पॉइंट इसी में आता है बाई इलेक्ट्रोफोरासिस सो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरासिस द चार्ज सॉल पार्टिकल माइग्रेट टूअर्ड्स द इलेक्ट्रोड ऑफ द अपोजिट साइन ये तो हम पहले ही जान चुके हैं देयर द डिपॉजिट डे चार्ज एंड देन गेट्स को अगुलेट एज अ न्यूट्रल पार्टिकल कैन एग्रीगेट एंड चेंज द सस्पेंशन पार्टिकल जैसे ही वो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होते हैं अपने चार्ज को वहाँ छोड़ के एज अ न्यूट्रल एन वहाँ से निकलते हैं और एक सस्पेंशन पार्टिकल की तरह अब बिहेव करने लगे हैं अब जैसे ही सस्पेंशन पार्टिकल की तरफ बिहेव करने लगे हैं तो फिर अब ये क्या होंगे अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी धीरे धीरे ये सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं ठीक तीसरा पॉइंट आता है बाई मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सॉल द कोगुलेशन ऑफ टू सॉल ऑफ अपोजिट चार्ज कैन बी एफेक्टेड बाई मिक्सिंग दैम अपोजिट चार्ज के दो सॉल हैं जैसे उनको मिला दिया जाए तो वो एक दूसरे को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एफ ई एच होल्थ्राइस पॉजिटिव सॉल है जबकि आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिव सॉल है वेन मिक्स न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड ज्वाइन एंड कोआगुलेट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी कर लेते हैं आपस में जुड़ जाते हैं मास बढ़ गया वॉल्यूम बढ़ गया और ये फिर से सेटल डाउन हो जाते हैं कोएगुलेट हो जाते हैं ठीक नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बॉइलिंग का सॉल्ट सच एज द सल्फर एंड सिल्वर हलाइट डिस्पर्ज इन वाटर गेट कोअ्यूलेटेड वेन बॉइल्ड ड्यू टू इंक्रीज कोलिजन बिटवीन द सॉल्ट पार्टिकल एंड द वॉटर मोलिक्यूल विच रिमूव द एड्जॉर्ब चार्ज लेर फ्रॉम द सॉल एंड दे आर फॉर द सॉल्ट पार्टिकल सेटल डाउन क्या बोल रहे हैं कि हम किसी भी सॉल्ट को बॉयल करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा वह सॉल्ट पार्टिकल एनर्जी को गेट करेगा एनर्जी गेन करेगा अब जैसे उसके पास एनर्जी बढ़ती है तो वह कोलिजन करना शुरू कर देते हैं और पर सेकेंड पर मिनट को नंबर ऑफ़ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब क्या होता है कि उनके ऊपर जो एक चार्ज लेयर डिपॉजिट हो जाती है तो जैसे जैसे कोलिजन बढ़ेगा तो ये चार्ज लेयर निकलने लगती है और जैसे ये चार्ज लेयर निकल जाता है तो वो अब एज ए न्यूट्रल एन हो जाते हैं न्यूट्रल एटम हो जाते हैं तब वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो कोगुलेट हो सकते हैं वो सेटल डाउन हो सकते हैं तो बॉयलिंग भी करा के हम चार्ज को रिमूव कर सकते हैं और वहाँ से उसको सेटल डाउन कराने में हेल्प करा सकते हैं नेक्स्ट स्टेप बाय रिपीटेड डायलिसिस ऑन कंटिन्यूस डायलिसिस बिसाइड्स द इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज द एडजॉर्ब आयंस आर आल्सो रिमूव्ड एंड द सॉल गेट्स प्रेसिपिटेटेड बाय रिपीटेड डायलिसिस करने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज़ जो हमारा एडजॉर्बड आयन होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं और उसको एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके फिर से प्रेसिपिटेशन कराया जा सकता है नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो कोवागुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल अभी तक हम लोग लायोफोबिक सॉल में पढ़ रहे थे अब क्या हुआ कोवागुलेशन इन लायोफिलिक सॉल्स सो लायोफिलिक सॉल्स आर स्टेबल ड्यू टू द चार्ज एंड सॉल्वेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल व्हेन दीज फैक्टर्स आर रिमूव द लायोफिलिक सॉल्स कैन बी कोआगुलेटेड लायोफिलिक सॉल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है एक तो ये स्टेबल होते हैं दूसरा वहाँ पे चार्ज तो होता ही है और सॉल्वेशन इफेक्ट भी लगता है वाटर रहता है हाइड्रेशन इफेक्ट लगता है एल्कोहलेशन लग, फोर्स लगते हैं तो इफेक्ट जो है इनको जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे कि इसके अंदर फिर से कोग्रेशन नहीं करा सकते तो दिस कैन बी डन बाय एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट और बाय एडिंग द सुटेबल सॉल्वेंट ठीक व्हेन द सॉल्वेंट सच एज द अल्कोहल एंड एसिटोन आर एडेड टू द हाइड्रोफिलिक साल द डिहाइड्रेशन ऑफ द डिस्पोज फेस ऑकर तो पहला पॉइंट में क्या हो रहा है जैसे हमें सिटोन और एल्कोहल एड करते हैं तो वहां पर डिहाइड्रेशन मतलब कि सॉल्वेशन जो था अब वो डिसन होना शुरू हो जाता है अंडर दिस कंडीशन ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन थोड़ा सा अमाउंट भी कोगुलेशन कराया जा सकता है वहाँ पे <coughs> नेक्स्ट हमारा है प्रोटेक्शन और द प्रोटे प्रोटेक्टिव एक्शन लाइफोबिक सॉल्स आर रेडली प्रेसिपिटेटेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हाउ एवर दीज सॉल्स आर ऑफेन स्टेबिलाईज बाय द एडिशन ऑफ सॉल्स ठीक है लाइफोबिक सॉल क्या होते हैं ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं थोड़ा सा अमाउंट भी इलेक्ट्रोलाइट डाल देते प्रेसिपिटेशन तो होना शुरू हो जाता है जबकि हम उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं वहाँ पर लाइफिलिक्स सॉल डाल देते हैं थोड़े अमाउंट में तो क्या करते हैं लाइफोबिक पार्टिकल्स के ऊपर लायोफिलिक्स सॉल्स क्या होते हैं सराउंड कर लेते हैं उसको और उसके ऊपर एज अ प्रोटेक्टिंग लेयर फॉर्म करते हैं जैसा कि आप आ, इस फिगर में देख रहे होंगे बीच में हमारा सेंट्रल में लाओफोबिक पार्टिकल है और साइड साइड में छोटे छोटे बॉल्स के फॉर्म में लाओफिलिक प्रोटेक्टिंग पार्टिकल डिपॉजिट हो जा रहे हैं ठीक नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ द लाओफिलिक सॉल्स टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन और द कोवेगुलेशन ऑफ़ अ लाओफोबिक सॉल्ट इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्रोटेक्शन कि लायोफोबिक सॉल्स को प्रेसिपिटेट होने से रोकता है वो कौन लायोफिलिक सॉल। द लाओफिलिक्स सॉल्ट यूज टू प्रोटेक्ट द लाइफोबिक सॉल्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इज रेफर टू एज द प्रोटेक्टिव कोलायड ठीक है और इसी लायोफिलिक सॉल को हम प्रोटेक्टिव कोलाइड भी बोलते हैं क्यों क्योंकि ये लायोफोबिक सॉल को प्रेसिपिटेट होने से रोक रहा है बचा रहा है उसको सो so, द लाइफिलिक्स सॉल्ट फॉर्म्स अ थिन लेयर अराउंड द लाओफिबिक्स और अराउंड द आयन फर्निश्ड बाई द इलेक्ट्रोलाइट एंड देयर फोर द कोआगुलेशन कैन नॉट बी टेक्स प्लेस एट द साइट डज नॉट इंक्रीज मच जैसे ही उसके ऊपर लाइफिलिक्स सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है वो एक सराउंडिंग में थिन लेयर बना लेता है और जो भी हम आयस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट फर्निस्ड हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कोआगुलेशन नहीं हो सकता अब ठीक है जबकि साइज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है तो कोगुलेशन कोआगुलेशन होने का चांसेस तो है ही नहीं फॉर एग्जाम्पल जिलेटिन, एल्बमिन, गम अरेबिया पोटैटो स्टार्च आर सम ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड्स ये कुछ कोलाइड्स हैं जो कि प्रोटेक्टिंग की प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं और लाइफोबिक सॉल्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं प्रिवेंट करते हैं कोआगुलेशन से आई बात समझ में सो द लायोफिलिक लाओफिलीकोलाइट्स डिफर इन दियर प्रोटेक्टिव पावर द प्रोटेक्टिव पावर इज मीजर्ड इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है अच्छे से पढ़िएगा और यह इंट्रोड्यूस किया गया था सिगमोंडी के द्वारा ठीक गोल्ड नंबर बहुत पूछा जाता है इंटरमीडिएट से ले नेट जे के एग्जाम तक गोल्ड नंबर का अपना अपना महत्व है बहुत पूछा जाता है एग्जाम में बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं और वो कन्फ्यूज रहते हैं आज यहाँ पे क्लियर कर लीजिए जो भी डाउट्स हो जाते हैं वो सारे डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल के क्लियर कर सकते हैं या फिर इंटेलैक्टल स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके वहाँ पे अपने क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर सकते हैं और वहाँ से इसका पी फॉर्म भी ले सकते हैं तो कोई भी डाउट हो तो हिचकिचाइए मत डायरेक्ट पूछिए ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा गोल्ड नंबर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से सो द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ अ कोलाइड दैट विल जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ टेन एम एल ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल ऑन एडिशन ऑफ वन एम एल ऑफ़ टेन परसेंट एन एस सी एल सोल्यूशन इज नोन एज द गोल्ड नंबर ऑफ़ दैट प्रोटेक्टर दैट मीनस कोलाइड्स के लिए बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम पहले एक गोल्ड सॉल लेते हैं और ये कितना है हमारे यहाँ पे है टेन एम है कितना है टेन एम अब यहाँ पे क्या करना है ऊपर से हमको टेन परसेंट का एक एम एल डालना है ठीक है ये हमारा क्या हुआ लाइफोबिक सॉल्व हो गया और ये हमारा क्या हुआ एक इलेक्ट्रोलाइट है ठीक है अब इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए हैं तो वहाँ पे क्या होगा ये प्रेसिपिटेशन होना शुरू होगा जबकि इसी प्रेसिपिटेशन को रोकना है हमें और ये कैसे रोकेगा ये हम रोकेंगे हाइड्रोफिलिक या लाइफिलिक साल को डाल के ठीक है ये स्टैंडर्ड है कि 10 एम स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन को हम जब एक परसेंट एन टेन परसेंट वन एम एल एन करें तो उस कंडीशन में भी प्रेसिपिटेशन नहीं होना चाहिए और उस प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए जितना मिनिमम मिलीग्राम ऑफ लाइफिलिक साल की हमें ज़रूरत होती है वही क्या होता है वही मिलीग्राम का जो नंबर होता है वही नंबर हमारा कहलाता है गोल्ड नंबर ठीक है आई बात समझ गोल्ड नंबर अच्छे से पढ़ लीजिए बहुत पूछा जाता है एग्जाम में नाउ द प्रेसिपिटेशन ऑफ द गोल्ड सॉल इज इंडिकेटेड बाय द कलर चेंज फ्रॉम द रेड टू ब्लू व्हेन द पार्टिकल साइज जस्ट इंक्रीजेज और गो, गोल्ड सॉल में हम ये कलर चेंज के द्वारा प्रेसिपिटेशन को देख सकते हैं कि रेड कलर में है या फिर बाद में ब्लू कलर में हो जाता है तो प्रेसिपिटेट हो जाता है क्योंकि जस्ट वहाँ पे साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है ठीक है ना द स्मॉलर द गोल्ड नंबर ऑफ़ द प्रोटेटि प्रोटेक्टिव कोलाइड, ग्रेटर इज इट्स प्रोटेक्शन पावर जितना कम होगा उसका गोल्ड नंबर किसी भी प्रोटेक्टिव कोलाइड का उसका प्रोटेक्टिंग पावर उसका प्रोटेक्शन पावर उतना ही ज़्यादा होगा बड़ा होगा ठीक है द गोल्ड नंबर ऑफ सम हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स इज गिवेन इन दिस टेबल फॉर एग्जाम्पल जिलेटिन का जो है जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव से जीरो पॉइंट जीरो वन तक वहीं एग एल्यूमिन की बात करते हैं तो वहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो से जीरो पॉइंट वन तक होता है गम अरेबिका का अरबिका जीरो पॉइंट वन जीरो से ज़ीरो पॉइंट वन फाइव तक प्रोटेटो स्टार्स का ट्वेंटी फाइव होता है सबसे ज़्यादा गोल्ड नंबर है दैट मीन्स लेस लेस प्रोटेक्टिव पावर होता है यहाँ पर जबकि जिलेटिन का प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल ठीक ना दार्मूला है प्रोटेक्शन कैपेसिटी प्रोटेक्शन कैपासीटी इज़ इनवर्सली प्रपोशनल टू द प्रोटेक्शन नंबर दैट इज़ गोल्ड नंबर यह फार्मूला याद रखना है कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रुकेगा सीधे सीधे यहीं से सी पूछा जाता है ठीक है जिलेटिन एंड स्टार्च हैव द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोटेक्टिंग पावर रेस्पेक्टिवली जो कि हम टेबल में देख चुके हैं आई बात समझ में एक और यहाँ पे टर्म है कॉन्गो रूबीन नंबर ये क्या है कॉन्गोर रूबीन नंबर ये भी लाइक गोल्ड नंबर ओस्टवॉल्ड इंट्रोड्यूस्ड कॉन्गोर रूबीन नंबर टू अकाउंट फॉर द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलायड ये भी प्रोटेक्टिव पावर डिफाइन करता है किसी भी कोलाइड का और एक किस इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था ओस्टवाल्ड ने सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाड इन मिलीग्राम विच प्रिवेंट्स द कलर चेंज रेड टू वायलेट इन हंड्रेड एम एल ऑफ़ जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट ऑफ कॉन्गो रुबिन डाई टू विच जीरो पॉइंट वन सिक्स ग्राम इक्वेलेंट ऑफ केसील इज एडेड अगर प्रोटेक्टिंग पावर हमको निकालना है तो उस प्रोडक्टिंग पावर कोलाड का मिलीग्राम अमाउंट कितना है जो कि प्रसिबिटेशन रोकता है किसमें कॉन्गो रुबिन डाई में और वो कितना है जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट है हंड्रेड एम ठीक और जब उसमें हम जीरो पॉइंट वन सिक्स ग्राम का के इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तब प्रेसिपिटेशन नहीं होनी चाहिए उस टाइम जो मिनिमम अमाउंट ऑफ कोलाइड लाइफ इलेक्लाइड की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम नंबर में उसी को हम बोलते हैं कॉन्गोरूबी नंबर ठीक गोल्ड नंबर की तरह कांगो रुबिन नंबर भी याद रहे है कॉन्गो रुबिन उतना कॉमन नहीं है जरूरी नहीं पूछा जाता है बट गोल्ड नंबर अच्छे से याद रखना है बहुत पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज हमारा इस वीडियो में टोटल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का ख़त्म हो जाता है नेक्स्ट में हम इमल्सन शुरू करेंगे तो तब तक के लिए थैंक यू हैव अ नाइस डे और जो भी क्वेश्चन डाउट हो आप बता दीजिए मैंने कैसे करना है कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए उसके बाद वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर से दबाएँ ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय अ हाँ नाइस डे